लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आ बेटा आओ, उठ गए? उठ गया बाबा। वाह, क्या कपड़े पहने, इसमें तो आज बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रहे हो। शुक्रिया बाबा। बस कीजिए जी, नजर लगाएंगे क्या मेरे बच्चे को? चल बेटे तू खाना खा। जरा वो ये ले। सुनो, मैं भी खाऊं? हाँ आप खाइए। अच्छा खाइए। ये नौकर लोग ठीक से काम नहीं करते, आज इन सब की खबर लेती हूँ। तूने क्यों ठूका? माँ ने कहा था। क्यों जी? तुमने इसको ठूकने को क्यों कहा? कंकर आया था इसलिए। तू क्या ऐसे कंकर वाला खाना देती अपने बेटे को? बताओ, कंकर मेरे मुंह में आया था, ठूका इसको दिया। अच्छा बाबा जी, मैं चलता हूँ। जाओ। तो मैं चलूं? हाँ जाओ बाबा। ठीक है तो मैं चलता हूँ। अरे तो जाना जाता क्यों नहीं? अजी जाएगा कैसे, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है बेचारे के। चलिए इसे पैसे दे दीजिए। पैसे? हाँ। आज के बाद मैं इसको एक नया पैसा नहीं देने वाला। हफ्ते में चार बार जब तक मेरे बच्चे का दिल ना दुखा लो तुम्हें चैन नहीं पड़ता। तुम भी मुझी को कहती रहो, ये चाय बिना मकसद गांव भर में घूमता रहे, आवारा गर्दी करता रहे, अय्याशी करता रहे। अजी कौन सी अय्याशी करता है ये, है दारू पी के आता है, लड़कियों को छेड़ता है, बेचारा गरीब गाय की तरह सर झुका के जाता है, सर झुका के आता है। क्या गाय? और आपकी इतनी बड़ी जायदाद थी, ये किसके काम आएगी? मेरा एक माँ मेरी टोपी। अरे क्यों अपने बेहुदा प्यार से इसकी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? अरे देखो उसका कद निकल आया है, ये अपनी जिम्मेदारी का बोझ कब उठाएगा? बस इसकी शादी हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। इससे कौन करेगा शादी? मैं कहती हूँ इसे पैसे दे दीजिए, बहुत हो चुका। मेरे पास पैसे नहीं, मैं अपनी तिजोरी की चाबी पता नहीं कहाँ घुमा के। अगर अरे क्या चाबी घूम गई तो फिर ये क्या है? और फिर जब इसे ही देने के लिए पैसे रखे थे तो इसे दिए क्यों नहीं? बेटा इतने सारे पैसे छोड़ो, ये ठीक है ना? चला लो मामा, चलो। अरे अरे बेटा धूप कितनी है, चश्मा तो पहन जल्दी। और सुन धूप में ज्यादा मत घूमना बेटा, लू लग जाएगी। माँ जी मेरे होते हुए राजा बाबू को लू कैसे लग सकती है? मैं इस छाते से राजा बाबू को धूप से भी बचाता हूँ और बुरी नजरों वालों की नजर से भी। माँ जी क्या रे नंदू, सुना कल तूने मुखिया के कुत्ते को काट लिया था? पहले कुत्ते ने मेरे को काटा था इसलिए मैंने उसे काट लिया। झगड़े के अंदर मैं हिसाब बराबर रखता हूँ। अच्छा अच्छा ले पकड़, इसमें मौसम्बी का रस है, गाजर का हलवा है और ताजे सेब है। हर आधे घंटे बाद मेरे राजा को खिलाते पिलाते रहना। जी मालकिन, हर आधे घंटे के बाद मैं इनको खिलाता रहूंगा। ऊंट की तरह खड़ा क्यों है, बैठ जाना। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, और फिर मुझे मालकिन की चपले खानी है क्या जो मैं इनके बराबर में बैठूं? बेटा माँ मेरा लॉकेट अंदर अटक गया है। अरे लॉकेट ये ले। हाँ अब ठीक है। माँ मैं कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छा लग रहा है मेरा बेटा, अब तू जा नहीं तो मेरी नजर लग जाएगी, चल जा। अबे छतरी हटा, छतरी हटा नंदू, छतरी हटा, मुझे दिखी। आगे हाथ जोड़ती हूँ, जुलम मत कीजिए, मुझे थोड़ी सी और मोहलत दीजिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी लाला जी। नमस्ते राजा बाबू। क्या हो रहा है सब? छह महीने पहले 10,000 रुपए लेके गए थे, अब देने का नाम ही नहीं लेते राजा बाबू। इस गांव में हमारी कोई इज्जत है कि नहीं? हाँ वो तो है राजा बाबू। इस गांव का चौधरी क्या निकलोते बेटे है कि नहीं? इसमें क्या शक है राजा बाबू? तो फिर किसी भी गरीब को बेघर करने से पहले तुमने हमारी इजाजत क्यों नहीं ली? वो क्या है? राजा बाबू का मतलब मालूम है तेरे को? अगर इनको गुस्सा आ गया तो क्या से क्या हो जाएगा मालूम है तेरे को? चाहे जिस तरह से तुमने ये बर्तन घर से बाहर फेंके उसी तरह शराफत से बर्तन घर के अंदर रख। सुना के नहीं? चलो रखो उठा के चलो। लेकिन मेरे 10,000 रुपए हम किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देंगे। जाओ जाकर हमारे बाबू जी से 10,000 रुपए ले लो, जाओ। चुप चुप क्यों राजा बाबू? चलो उठाओ, चलो जल्दी रखो। नमस्ते अपराजी। Thank you.
क्यों बेकार में परेशान हो रहे हैं, सो जाइए ना, सुबह बात। तुम चुपचाप बैठी रहो, मेरा सर फिराओ, मैं जब तक उसे निपट नहीं लूंगा मुझे नींद नहीं आएगी। इतना नाराज क्यों हो रहे हो, क्या किया मेरे लाडले? क्या किया है? मेरा मतलब है, एक गरीब औरत घर से निकाली जा रही थी, उसे भेज दिया 10,000 रुपए लेने के लिए, बस इतना ही ना, और क्या? और वो जो सिनेमा वाले को यहाँ भेज दिया 25,000 रुपए लेने के लिए, वो अमिताभ बच्चन का शो देख रहा था तो शहर चला जाता, 25,000 रुपए में शो क्यों देखा उसने? अजी मैं आ गया। अच्छा हुआ तू आ गया, बहुत कम वक्त बचा है बेटा। नहीं माँ, मैं तो कोई सुख नहीं दे सकी। कैसी बातें करती हो, सारी जिंदगी मेरे लिए दुख उठाया तुमने, तुमने सब कुछ मेरे लिए तो किया ना? नहीं, मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं, हिम्मत देखना चाहती हूँ, हिम्मत। राजा बाबू मत रोइए। ले लो नंदू, ये मुझे एक बार फिर से दिखाने के लिए बोल। थोड़ा पीछे ले और दोबारा शुरू कर। अरे ये क्या घड़ी घड़ी लगा रखा है? कौन बोला, कौन बोला? ए तू बोला बंद कर, तू लहजा लू कर। कौन सालो, पोकर में पिक्चर देखते हो? मालूम है इस फिल्म के लिए हमारे राजा बाबू के 25,000 रुपया खर्चा हो गए। माफ करना नंदू सेठ, माफ कर दिया, समझता नहीं है तू यार। ए लाइट बंद कर, फिल्म चालू कर। देखिए आपको मेरी कसम है, कुछ मत कहिएगा मेरे बच्चे। तुम चुप रहो, मैं आपके हाथ छोड़ती हूँ। आप नंदू, कल हम लोग शहर जा जरूर जाएंगे। तुमने पूछा नहीं हम लोग क्यों जा रहे हैं? बचपन से आपके साथ रहता हूँ, अभी भी आपकी दिल की बात पूछनी पड़ेगी क्या? अमिताभ बच्चन ने जैसे त्रिशूल में कपड़े पहने थे ना, वैसे ही कपड़े बनवाने के लिए जाना है। बहुत समझदार हो गया। आपके साथ रहता हूँ ना, फर्क तो पड़ता ही है। मैं तो कहता हूँ कि कल शहर जा ही रहे हैं, जैसी एम्बुलेंस अमिताभ बच्चन लेके घूम रहा था ना, वैसे एक एम्बुलेंस भी खरीद लेते हैं, अटपटे की बजाय उस एम्बुलेंस में घूमेंगे ना तो बड़ा मजा। नहीं आएगा एम्बुलेंस का क्या करेगा, उसमें लेट के अस्पताल जाएगा? तू क्या समझता है इसके बाप के पास नोट छापने की मशीन है? अरे क्यों मेरे पैसे बर्बाद करता है तू? क्या बाबूजी, जब देखो आप पैसा 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 करते हैं। अच्छा पैसा पैसा पैसा, दो पैसा कमाएगा तो पैसे की कीमत का पता चलेगा। अरे मगर मुझे पैसा कमाने की जरूरत क्या है? तो क्या करेगा फिर? ये जायदाद किसकी है? किसकी? अरे मेरी है, नहीं तो क्या आपकी है? अरे सब मेरे दादा के पैसे, और दादा की जायदाद पर सबसे पहला अधिकार उसके पोते का होता है। नंदू उस दिन शहर में वकील क्या कह रहा था? ऐसा ही कुछ कह रहा था। वकील? तू वकील के पास जाने लगा है? अरे बाबूजी, अरे बाबूजी, जानकी, जानकी क्या हुआ, क्या हुआ जानकी? पता नहीं अचानक बहुत दर्द हो रहा है मुझे। ए नंदू जल्दी चले जाकर वैसे को लेकर चले जा, बहुत दर्द हो रहा है। तू खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है, जा वैसे को बुला के ला। नहीं जी, नहीं जी, को आते आते बहुत देर हो जाएगी, मुझे मुझे ही वहां ले चलिए, मुझे